तो दोस्तों, हमने LG सेमी ऑटोमेटिक रोलिंग वॉशिंग मशीन ऑर्डर किया है। तो इसका मॉडल नेम है P115SKAZ है। तो आप देख सकते हैं, ये वारंटी इसका 2 साल है, और लेकिन मोटर का वारंटी है इसका 5 ईयर्स दिया है। तो ये इनपुट वाटर है। तो ये हमारा लीड जो रिमूवेबल है, और ये ट्रांसपेरेंट भी होगा। तो यहाँ पे हमें दिया है, ये वाशर टर्न दिया है, ये वॉश सिलेक्टर हम स्ट्रॉन्ग में, नॉर्मल में, जेंटल में लगा सकते हैं। तो ये रिंस का है, कितना मिनट तक ड्रेन और रिंस का है ये। तो ये हमारा 100 वाशर टाइमर है, हम इसको 5-10-15 मिनट आप लगा सकते हैं। ये जो नॉर्मल में या स्ट्रॉन्ग में या जेंटल में लगाएगा। तो ये वॉश सिलेक्टर है, आपके हिसाब से लगा सकते हैं। और ये जो हमारा रिंस है, यहाँ पे कपड़ा धोने के बाद यहाँ पे ड्रेन में लगा देना है, तो पानी ड्रेन हो जाएगा। और ये आपका स्पिन टाइमर है, आप कितने स्पीड, आप कितना स्पीड में आपके इसको स्पिन कर देना है, ड्रायर है इसका, इस कितना स्पीड में आप स्पिन करेंगे। तो ये हमारा ड्रायर है, तो इसमें आपको वाटर पैंप कनेक्शन मिल जाएगा। जो इसका लीड कवर है, ड्रायर का लीड कवर भी मिल जाएगा, और मैनुअल भी है साथ में। यहाँ पे मेंटेनेंस केयर और इंस्टॉलेशन गाइड, यूजर्स इंस्टॉलेशन गाइड वगैरह भी दिया है। तो ये हमारा ड्रायर है, यहाँ से इनलेट पानी आएगा, और ये फिल्टर है हमारा, कपड़ा का फिल्टर। तो ये हमारा बड़ा वाला आउटलेट पाइप है, यहाँ से गंदा पानी निकलेगा। और ये जो छोटा वाला है, ये इनलेट पाइप है, यहाँ से फ्रेश पानी आ जाएगा। ये हमारा ड्रायर का लीड है, इसको ऊपर में जैसे भी रखना है, नहीं तो कपड़ा जो ऊपर आके मोटर को ब्लॉक कर सकता है, इसको ऊपर में रखना है। तो ये हमारा कनेक्टर है, और ये हमारा मैनुअल है, इंस्ट्रक्टर है, मैनुअल है, इसको करके आप फॉलो कर सकता है। ये आपका पाइप स्टार रेटेड है, पावर सेविंग में पाइप स्टार रेटेड है। उसके बाद इसको आप देख सकते हैं, ये मॉडल का नाम है P115SKAZ, 2023 का है, 11 kg सेमी ऑटोमेटिक। तो ये मशीन जो ऊपर से ब्लैक होता है, आप देख सकता है, यहाँ पे लाइट ग्रे है, ग्रे टाइप से दिखता है आपको। तो आज हम चेक करने जा रहा है, ये मशीन टिक है कि टिक नहीं है। मेरा वाटर कलेक्शन अभी सेट नहीं हुआ है, इसीलिए हम डायरेक्ट पाइप से वाटर को डाल रहे हैं। तो अभी हम अपने हिसाब से सरफ डालते हैं। प्रोग्राम 15 मिनट ऑन किया है, ये भी शुरू हो गया। तो अभी हम एक एक धुलती कपड़ा को डालेंगे यहाँ पे। आपको यहाँ में टाइप ऑफ कपड़ा को सेलेक्ट करना है, जो हॉट है उसके साथ में सब कपड़ा को नहीं डालना है। तो अब ये चल रहा है, स्पिनिंग हो रहा है, वॉशिंग हो रहा है। अभी यहाँ पे 15 मिनट का सेट किया है, तो अभी चलते रहेंगे। तो अब पानी लेवल को देखिए, पानी लेवल कम होने से आप बाहर से भी डाल सकता है। पानी लेवल को मेंटेन करना है। तो अभी इसको अपना काम करने दो, मैं यहाँ पे दखल बंद कर देता हूँ। ट्रांसपेरेंट है, आप
ऊपर से भी देख सकते हैं। अभी ये 10 मिनट जैसा लगेगा कंप्लीट करने में, तब तक के लिए आप रुकते रहिए, मैं दिखा दूँगा आप लोगों को। फिलहाल तो मैं यहाँ पे सॉक टाइम 10 मिनट है और वाशिंग नॉर्मल मोड में है, सेट किया है। तो देखो दोस्तों, ये टाइम खत्म हो गया, तो इसीलिए हमको इसको और थोड़ा सफ़ा करना है, इसीलिए हम ड्रेन किया है। तो ड्रेन किया है मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो जो मेन टैंक है यहाँ से हम ड्रेन किया है, तो फिर हम अभी यहाँ पानी फिल करेंगे, फिर से पानी फिल करके फिर से हम 10 मिनट जैसा और थोड़ा सफ़ा करेगा। उसके बाद फाइनली हम यहाँ पे ड्रायर में बाद में हम ट्रांसफ़र करेगा। तो देखिए, हम फिर से इसको पानी फिल कर रहा है, क्योंकि हमको इसको थोड़ा अच्छी तरह से सफ़ा करना है बिफोर ट्रांसफरिंग टू विंड्राई जेट रूम। तो आप देख लीजिए, हम यहाँ पे फिर से इसको 10 मिनट के लिए चलाएंगे, तो यहाँ पे काफ़ी साफ हो जाएंगे। उसके बाद हम इसको ड्रायर में डालेंगे। तो जिसके लिए जो वाटर पाइप कनेक्शन ठीक नहीं है, वो लोग यहाँ में 2-3 बार रिंस करके ड्रायर में जा सकता है, और ऐसा होने से आसान होता है। लेकिन जिसका पाइप कनेक्शन है वो तो ठीक है, डायरेक्ट वाटर सप्लाई ड्रायर में सेंड करके यहाँ में ड्राई कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास वाटर सप्लाई ठीक नहीं है बोल के यहाँ में 2-3 बार रिंस करेगा, उसके बाद फाइनली 1 बार में ड्राई करेगा। तो इसको हम सेकेंड टाइम रिंस किया है, तो गंदा फिर से निकल गया, तो अब इसको हम ड्रेन करेंगे। आप देख सकते हैं अभी भी गंदा है वहाँ पे। तो अभी भी गंदा है। तो देखिए, इसको हम अभी 2 बार रिंस किया है, 2 बार सफ़ा किया है, 1 बार 3 मिनट और 1 बार 10 मिनट। तो इसको अभी हम क्या करेंगे, ये ऑलमोस्ट सफ़ा हो गया, एटलीस्ट 80% 90% सफ़ा हो गया। इसको हम अभी एक एक कपड़ा को निकल के ड्राई करेगा। तो मेरा ख्याल से ये बेस्ट मेथड है जिसका पानी सप्लाई ठीक नहीं है। तो आप देख लीजिए, 2 बार रिंस हो गया, तो 80% ऑलमोस्ट 80% सफ़ा हो गया ड्रायर में देने से पहले। तो फिर अभी इसको हमको कंपोर्ट भिजाना है, तो फिर हम और एक बार यहाँ पे पानी डालेंगे, कंपोर्ट भिजाएंगे। तो देख लीजिए, अभी हम कंपोर्ट लगाएंगे, कंपोर्ट के लिए है ये। तो कंपोर्ट के लिए भी है, और 3 बार इसको रिंस करने का जैसे है सेम है, तो 3 बार अगर रिंस करेगा तो ऑलमोस्ट कपड़ा सफ़ा हो जाएगा। उसके बाद हम इसको यहाँ पे ड्रायर में दे देंगे। तो ये कंपोर्ट है हमारा। अभी दो रिंस के बाद में हम कंपोर्ट भिजाया है, कंपोर्ट साथ में मिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम ट्राई करेंगे यहाँ पे। तो इसको अभी 2 बार रिंस किया, उसके बाद कंपोर्ट भिजाया, सफ़ा हो गया ऑलमोस्ट। अभी वो इसको यहाँ वहाँ पे डाल रहा है ड्रायर में। Ready, go! तो ड्रायर में अभी आ रहा है। फुल हो गया, इसके बाद हम इसको बंद करना है इसको, ताकि कपड़ा जो ऊपर आके ये साइड में ना फंसे हैं। तो ठीक है, अभी हम घुमाते हैं इसको। तो बंद कीजिए, ये भी बंद कीजिए, हवा यहाँ से जाएगा, यहाँ से रखिए, अंदर जाएगा। 3 स्पिन हो रहा है, पानी को फेंक रहा है, अंदर में स्पिन हो रहा है, रेगुलेशन ले रहा है।
ये जो हम 3 मिनट लगाया था तो कटक होते ये स्वरण होते जाएगा, उसके बाद 1 मिनट उसके बाद ये 0 पे आ जाएंगे कटक होते। देखते रहिए, देखिए हमें 30 सेकेंड बचा हुआ है हमें कटक हो जाएगा जब वो पोजिशन पर आ जाएगा। तो ये हाई रेगुलेशन पर मिनट 1300 रिवोल्यूशन पर मिनट में है। तो ये हो गया है, अभी देखते हैं कपड़ा, देखिए ऑलमोस्ट सूख गया। वाह, ये तो पूरा सूख ही गया, 5-10 मिनट धूप में रहने से हो जाएगा। वाह, जस्ट इसको 5-10 मिनट सन में धूप में रहने से तो हो गया, एकदम सूख गया, पूरा सूख गया, ये तो डायरेक्ट सूख गया। 1300 रिवोल्यूशन पर मिनट है, देखिए ये भी ऑलमोस्ट सूख गया है, 100% सूख गया है। तो फिर से देखिए हम जो अच्छा कुछा है इसको भी हम अभी स्पिन करेगा, स्पिन करेगा तो इसको मैं 4 मिनट के लिए लगा देता हूँ। स्पिन शुरू हो गया, तो अभी 4 मिनट के लिए स्पिन करेगा, शुरू हो गया इसका। तो 1300 रिवोल्यूशन या रोटेशन पर मिनट है, और उसके बाद से देखिए अभी पानी भी निकल रहा है यहाँ से स्पिन की वजह से। तो ये जो स्पिन है, जो पानी बाहर फेंक के आ रहा है वो आपका लो इनर्शिया में आ जाता है, बिकॉज सेंट्रीफ्यूजल फोर्स लो ऑफ इनर्शिया में आएगा, इसमें भी फिजिक्स है। तो देखिए अभी ये 3 मिनट हो गया है खुद बखुद, अभी खुद बखुद ये स्लो डाउन हो जाएगा, मतलब ये टाइम जो कम होते जाएगा स्पिन टाइमर, तो फिर 1 में आएगा, फिर खुद बखुद ऑफ होगा। 2 मिनट है, उसके बाद 1 मिनट आएगा यहाँ पे, अभी 1 मिनट बचा है, उसके बाद ऑफ होंगे। तो देखिए अभी खुद ऑफ हो जाएंगे यहाँ पे, ये हो गया खुद ऑफ हो गया। तो ये तो पूरा सूख ही गया है। तो ठीक है, इसी तरह आप यहाँ में कपड़ा धुला सकता है, तो काफ़ी बहुत आसान है। थैंक यू, अगर आप लोग को मदद लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।